two girls, the cool girls all the way from Varanasi, who challenged the people who were about to shut their mouth. In return, these people have shut their mouth and have progressed in the growth of their initiative. I now request Ms. Ridhima and Ms. Monica to come over the stage, the leaders of Varanasi. Namaskar, Arubli. Niyo Egidira. We are from 8-Soul Sandbox, Varanasi. Namra Heseru, my hygiene, my life. Lead, lead bole to dhoom gaya tha. Aisa hame tab pata chala jab humne Priyana join kiya. उसके पहले हमारे यूपी में लीड का मतलब था ब्लू आर्मी, वो ब्लू आर्मी जिसकी ये ब्लू टी शर्ट ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि मैंने लीड ज्वाइन किया। स्टार्टिंग में जब हमने लीड ज्वाइन किया तो हमें पता नहीं था क्या करना है, कैसे करना है। प्रोजेक्ट्स तो बहुत किए बट एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। हमारे यहाँ वीकली वर्कशॉप होती है, उन वर्कशॉप में हम अपने मेंटर के पास गए और हमने पूछा कि सर वी आर डूइंग द प्रोजेक्ट्स बट वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद देम। तो उन्होंने हमें कुछ प्रोजेक्ट सजेस्ट किए। जिस प्रोजेक्ट ने हमें पर्सनली अट्रैक्ट किया वो था फीमेल हाइजीन। बस वहीं पे हमारी तीन मेंटालिटी, हमारी एक फ्रेंड प्रियंका कक्कर वो यहाँ पे नहीं है, वहीं पे हमारी तीन मेंटालिटी एक हुई और हम तीनों ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया जिसका नाम है माय हाइजीन माय राइट। गर्ल्स, हम लोग यहाँ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे है, जब हम एज अ लीडर यहाँ पे आके हैंड रेस करने में तो शर्माते। मैंने देखा उठाओ ये क्या था, कल से बोलो यस मुझे पीरियड्स आते हैं। हमारा इनिशिएटिव यही है कि हमें ये हेजिटेशन दूर करनी है। हमने स्टार्टिंग की स्कूल से। हमारे इनिशिएटिव में दो चीजें हैं। पहली चीज, मेडिकल किट है तो हाइजीन किट क्यों नहीं है? क्या वुमेन्स की हाइजीन इम्पोर्टेंट नहीं होती है? वी इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम लॉन्चिंग अ हाइजीन किट फॉर वुमेन। इसकी शुरुआत हमने अपने वाराणसी के स्कूल से की, जहाँ पे हम स्कूल में तो गए बट जब जैसे हमने इस टॉपिक को रिजर्व किया हमें काफी ज्यादा लाइक होता है ना डीमोरलाइज किया गया। और ये टॉपिक आप लोग एज अ गर्ल होकर के इस टॉपिक को आगे लेके आ रहे हो, आप लोग को शर्म नहीं आती है? माँ बाप पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजते हैं, 2-4 हजार रुपए में तुम लोग का क्या होगा? कितने बेशरम है तुम लोग। बस वो टाइम ऐसा था कि लाइक यार अब क्या करें, लोग तो हमारी बात सुनने को रेडी ही नहीं है। फिर क्या, हम वापस अपने मेंटर के पास गए, हमने उनसे बोला सर हमसे नहीं हो रहा है, हम क्या करें कैसे करें? उन्होंने अपने शायराना अंदाज में बस दो लाइनें हमसे बोली, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। बस इन्हीं गालियों को तालियों में बदलते हुए हमने अपना इनिशिएटिव आगे बढ़ाया। हम स्कूल में फिर से गए, फिर से सेशन स्टार्ट किया। हमारे लिए ये हुआ पॉजिटिव चीज, हमने जैसे सेशन स्टार्ट किया उस स्कूल के प्रिंसिपल थे रिटायर्ड आर्मी मैन, उन्होंने हमें प्रेज किया कि बेटा बीइंग अ गर्ल जहाँ पे आज कोई इस टॉपिक को लेके सामने नहीं आ रहा है आप आगे बात कर रहे हो, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी आपकी तरह बने। और हमारे प्रोजेक्ट की सबसे यूनिक बात ये थी कि आज तक जितने भी मेंशुरेशन में सेशंस होते थे आपने देखा होगा यूजली सिर्फ गर्ल्स के साथ सिर्फ गर्ल्स को बैठा के सिखाया जाता था। हमने यूनिक ये किया, हमने बॉयज को भी बैठा करके सेशन कराया। यहाँ से चेंज ये आया कि जब हमने स्कूल से स्टेप आउट किया तो बॉयज आए और हमसे पूछे कि मैम हम अब हंसेंगे नहीं, हम सच में कुछ करना चाहते हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, हम कैसे इस चीज को चेंज कर सकते हैं। बस उसके बाद हमने अपना ये कारना आगे बढ़ाने का सोचा। हमने सोचा स्कूल से क्यों नहीं हम वाराणसी के पब्लिक टॉयलेट्स में भी अपने हाइजीन किट रखें। उसके लिए हम हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर सुरेंद्र सिंह के पास गए, हमने उनसे अपना इनिशिएटिव शेयर किया। तो कोई भी काम हम करने चलते तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आप ये करना क्यों चाहते हो? उन्होंने भी हमसे यही किया कि आप ये क्यों करना चाहते हो? I simply cross questioned him and said, sir, medical kit है तो hygiene kit क्यों नहीं है? और रही बात public toilets में hygiene kit रखने की, तो आपने condom vending machine रखने के पहले तो नहीं पूछा, तो आप हमसे hygiene kit रखने से पहले क्यों पूछ रहे हो? बस, वही पर वो कुछ बोल तो नहीं पाए क्योंकि वो भी समझ गए थे।
दरअसल हमें फाइनली अप्रूवल दे दिया कि यस आप अपने वाराणसी के सारे पब्लिक टॉयलेट्स में अपने हाइजीन के रख सकते हो। हमारे पब्लिक टॉयलेट्स, सिनेमा थिएटर, शॉपिंग मॉल, स्कूल्स, आज हमने सब में हाइजीन किट प्लेस किया है। और आज हमारे वाराणसी के 90% स्कूल में हमारे हाइजीन किट है। हमारे वाराणसी के 70% पब्लिक टॉयलेट्स में हमारी हाइजीन किट रखी है। हमारे वाराणसी में 5 मॉल्स हैं, जिसमें 3 मॉल्स में हमने अपनी हाइजीन किट रख दी है और ये हमारा प्रोजेक्ट कंटिन्यूएशन में चल रहा है और यह इसको जाने के बाद इसे और कंटिन्यू करना है। सिर्फ वाराणसी ही क्यों, आज ये हम तीन का इनिशिएटिव क्यों है, आज ये हम सब का इनिशिएटिव क्यों नहीं बन सकता है। हम स्मार्ट इंडिया बनाने की बात करते हैं, हम डिजिटल इंडिया पे बात करते हैं, हम फ्लाईओवर्स बनवा रहे हैं, हम मेट्रो सिटीज बना रहे हैं, फिर हम हाइजीनिक इंडिया पे बात क्यों नहीं करते, क्यों आज भी पीरियड और पैड एक टैबू और एक मिथ बन के रह गया है, क्यों आज गांव में भी औरतों को ये कहा जाता है कि जब तुम्हें पीरियड्स है तब तुम किचन में एंटर मत करो, तुम्हें पीरियड्स है तुम अलग रहो, लेकिन हाँ लकड़ी उठा करके घर तक जरूर लाना, भले पीरियड्स में हो। क्यों आज तक बस केवल क्वेश्चन 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 है, क्या वुमेन की हाइजीन इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या हम लोग इम्पोर्टेंट ही नहीं है? क्यों हम जब मेडिकल शॉप में जाते हैं तो ये कहते हैं भैया जी वो देना, वो भी पूछेगा क्या भैया जी, अच्छा कुछ नहीं, वो वहां से चली जाती है। क्यों नहीं हम कहते हैं भैया जी मुझे बिस्तर का बैग दो? सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, क्या कभी हमें इसके आंसर्स मिलेंगे, क्या हमारी मेंटालिटी चेंज होगी? ये क्वेश्चन हम यहाँ पे बैठे आप सबसे पूछना चाहते हैं कि क्या ये इनिशिएटिव आप सबका होगा? क्या आप सब हमारे साथ देंगे? आप सब हमारे साथ देंगे? आवाज नहीं आ रही है? क्या गर्ल्स को अभी भी शेमफुल फील होगा पीरियड्स के बारे में बोलने के पहले? इसकी शुरुआत सबसे पहले अपने आप से, अपने घर से शुरू करें। धन्यवाद।